Hey, come in. Yes. शफक, शान, अगर तुम मुझे कोई प्रॉब्लम बताने आए हो तो बैठ जाओ, लेकिन अगर घुमा घुमा कर मेरे सर के ऊपर से गुजारने आए हो तो प्लीज चल। प्लीज 2 मिनट। हाँ ओके सर। बोलो भी, प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारी दोस्ती और मेरे बॉस होने की सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? बताओ। I'm sorry, Shafiq. Not accepted. प्रॉब्लम बताओ, घुमाओ नहीं मेरे साथ ऊपर से। Tell me the problem, Shah. उल्फत, उल्फत का दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्या कहा है इसने? शान, tell me, क्या हुआ है? हम दोस्त भी तो है ना, बोलो। उल्फत, हाँ उल्फत चाहत गया कि मैं मैं आपसे आपसे शादी करूं। What? Yeah, right. You're not serious. I am. And I'm very sorry कि मेरी बीवी आपके बारे में ऐसा सोचती है। आपने दोस्त कहा, इसलिए दोस्ती के नाते मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दिया जाए। बट मैं हरगिज हरगिज आपको हर्ट नहीं करना चाहता। She actually said that. I think you should leave. Shafak. Please. You should leave. वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है आज? जिसको किस्मत थकाने पर दरपया हो जाए, उसकी परेशानी फिर ता हयात ही रहती है। खैर, बड़े बड़े तूफानों का आपकी बेटी ने अकेला सामना, ये वक्त भी गुजर जाए। लेकिन बेटा, ये तूफान थमता नजर नहीं आता मुझे। क्यों, क्या हो? वो उल्फत, अम्मा प्लीज पहेलियां मत भिजवाएं। बताएं क्या कारनामा किया आपकी बहू ने? उल्फत आज गई थी। कहाँ? वो तेरे जो बॉस है उसके घर। शफक के घर? क्यों? उसके वालिद से तेरे रिश्ते की बात करनी। मेरे रिश्ते की बात करनी? रिश्ते के बारे में इल्म था तुम्हें? मेरे ही कहने पे तो वो यहाँ आई है डैड। मगर क्यों शफक? रिश्ता लेने क्यों आता है कोई? रिश्ता लाने पे एतराज नहीं है मुझे, मगर वो शाहन की बीवी है।
डैड अगर उसे इस चीज से कोई मसला होता तो वो खुद ही नहीं आती। प्लीज छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तुम्हें दूसरी बीवी बनना कबूल है? पहली बीवी बनकर तो देख लिया था ना मैंने, कोई अच्छा तजुर्बा तो नहीं था। हम दूसरी बीवी बनकर देख लेती। जिंदगी को तजुर्बात की भेंट चढ़ाना चाहती है? डैड एक तजुर्बा आपने किया था, अब एक तजुर्बा मैं करूंगी और मैं नाकाम नहीं होंगी। किससे पूछकर तुम शफक के घर गई थी? ओ, तो बेखबर नहीं है आप। उल्फत, मुझे लग रहा था तुम्हारी दिमाग की खुराफात यहीं तक महदूद हैं। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा तमाशा बनाती फिर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? शफक से शादी। मर कर भी नहीं करूंगा। ये हमदर्दी का बुखार तुम्हें चढ़ाए, मुझे नहीं। करनी तो आपको पड़ेगी क्योंकि मैं उसके फादर से मिल चुकी हूँ। मेरी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती? और मुझे जो जलील करवा रही हो तुम, वो कान खोल कर सुनियो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इस घर की, अपनी औलाद की और हमारी मोहब्बत की परवाह नहीं है ना, तो मुझे है। अरे इस घर की परवाह है तभी ये कह रही हूँ। खाक परवाह तुम्हें, सब कुछ दांव पे लगा रही हो, इसे परवाह कहते हैं? मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ उल्फत, अगर तुम अपनी जिद से पीछे ना हटी ना तो मैं खुद को, इस घर को, हर चीज को आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा सब कुछ। सुना तुमने?